बाहर है सरप्राइज तो। ओ ओ ओ ओ पत्थर खोल दिया खोलो चलो क्यों खाई थे मैं बता उतरे गाइज मैं रोज खाना बनाती हूँ और ये बंदा बाहर खा के आता है किसे की ना मान रहा वो जाट हो है जहर जो जाट की ना मान रहा हो है जाटनी। हेलो गाइज वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। तो फाइनली आज मम्मी का मैट्रेस आ गया गाइस और बस कुछ ही पल दूर वाला है। आ गया है हाँ। बस रास्ते में अभी रास्ता पूछ रहा था यस मम्मी ने ये सरप्राइज दे रहा है यार इसका मैच हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ क्या लेकिन मम्मी की पसंद का है गाइस ये सरप्राइज है हाँ। चलो मम्मी ने बोली जब बेड इतना एंडी दे दिया था गद्दा भी इतना एंडी दे दियो और इतनी जल्द डिलीवर कर रहे हैं यार देख कुकू ने भी पता लग गया कुछ आ गया बाहर है सरप्राइज तो चलो अच्छा कल की नींद सबने पूरी करी है आपने ना आई हम तो सोए हैं खूब इवन के इतने फोन आ गए जब उठे हम अच्छा हमारी तो चलो नींद पूरी अच्छा तैयारी पहले शुरू कर रखी है अच्छा कुकु क्या हुआ आजा जल्दी आ ओए 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 वेरी गुड भैया आज कुकु ना धोखा रही है बालाजी पेट क्लिनिक पे है भाई साहिल ने खुद ने लाई है ओए ओए आलसी हो रही आलसी रोहित के कान बज रहे हैं जल्दी छोटे छोटे क्यूट बेबीज हो रहे थे कहाँ गए वो वहाँ है नहीं एक को सुला रही हूँ ना इतने बड़े को कल पूरी रात तो सोए नहीं मामा जी सब नाच जे नींद पूरी करी है पर आपने थोड़ी एक्स्ट्रा कर ली खाना भी नहीं खाया बताओ मामा ने देख लाड लेन चली गई मामा याद कर रहे थे कुकु ने मामा ने पिलिया यार पिलिया लो भाई इसके अंदर है वो नायाब चीज ये नायाब चीज है तू भी क्या दिखा सुन मैं लॉन्ग शूट कर रहा हूँ पूरा ना उनका खुद का पर्सनल है यो अच्छा मैंने देखा उनकी ब्रांड है ना रोमा पॉप बढ़िया है चलो जी अच्छा ये क्या होता है बिल वगैरह है ओके निकलवाओ आ जाओ लो अपने बेड़ा का तो अपने आप तारो अच्छा मैंने तारना पड़ेगा ओ राजा चलो दो दे ले भाई तो भारी होगा भाई निकालो 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 अरे भारी है इतना भारी ओ ओ ओ ओ क्यों आवाज है हां आवाज ही हो रहा था चलो भाई मैं हेल्प करवाऊंगे कौन है भैया आ जाएंगे नीचे हां भैया करवा देंगे चलो चलो भाई वैसे मैं वेलकम राजी कितनी हो रही है मम्मी देख पत्थर है पत्थर भगाओ इन गद्दों को चलो भाई चलो हाँ यहाँ रख दो चलो जल्दी आओ भैया बाहर खड़े हैं चलो वो गद्दा लेके आना है चलो देख लो भाई राजी हो रही दोनों जने कंप्लीट हो गया आपका रूम है ना सिर्फ पढ़ते रह गया आज पढ़ते वाला भी आ जाएगा खोलो लो भाई
नाम तो दिखाओ। खोलो भाई खोलो। भाई साहब बहुत दूर तले का आए हैं सोनी पत्ते। अंदर वाले के लिए कैची चाहिए। इसी के अंदर होती कैची। हाँ। आ जाओ मम्मी आप आ जाओ। कैसी हो इसके अंदर? ये तो और राउंड का नहीं पता मैं। खोल लो ना पूरा। ए हाँ। कर लो। खोल दिया खोल दिया। खोलो चलो तुम थैली थैली में रह जाओगे। सही में बहुत है। अच्छी बात है ना कि पैकिंग अच्छी कर रखी है। आप भी हेल्प करवाओगे? आ जाओ। खुल गया खुल गया। अब गद्दा खोलो। हैं? अब मैं आप खुल जाएगी। पिलो भी है? हाँ पिलो भी आते हैं। इब कच्ची ले खोलो। इसके अंदर क्या होगा? ये काटना पड़ेगा। अरे वैक्यूम कर रखा है कच्ची देखो लगा भी हो। इसके अंदर कटर होता है? कटर कटर होता है? कच्ची देखो लो यहाँ काट दो। यहाँ देख कनी का हाँ। अब इसके अंदर हवा घुस जाएगी। खोलो खोलो। देखिए थैली निकालो। थैली हाँ थैली निकलो। अरे हाँ काट दो। नीचे तो काट दो। नीचे तो गद्दा तो अच्छा है यार। टेक्सचर अच्छा है। बैठ के देखियो। लेट के देखो। दे दोनों पागल हो रहे हैं। सब टैंडी गद्दा है। सब टैंडी। उससे भी अच्छा है। देख वो वाले तकिया नहीं करे थे एक बार हमने मंगवाया था। कितनी वाय चीज है। पक्का ये तकिया भी वे पाऊंगे। है ना लेट हो गया लेकिन चीज तो बढ़िया मिली। ये देखो मम्मी की चला गया गद्दा। अच्छा लगा लेकिन अरे मैं लेटू। चीज तो तेरी अच्छी मिली। सही बोलते हैं इंतजार का फल अच्छा होता है। इंतजार का फल मीठा होता है गाइस। फुल मजे कर रहे हैं गाइस हम तो। लेट जाओ सर। ओहो हो यार सही है। वाक क्या बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। देर आए दुरुस्त आए मजे आ गए। घने एंडी गद्दे हैं भाई। तुम सब पूछे जाओ ना। हम दोनों कहते हैं कि ये से है ये एक साइड से है। साइड से देखे किसे है। हां दूसरी साइड से थोड़े टाइट से होगा ना। नहीं साइड है ऐसा ही है तो ऐसे ही ना। टाइट है भाई। टाइट वाला पार्ट ये है। सॉफ्ट वाला ये है। आप बताओ सॉफ्ट वाला चाहिए टाइट। यू कितने परफेक्ट है वैसे। और के दे हाथ की से लगा दिए मैं ता धोखा है। तो किसकी याद है ये? तेरे मामा की हाथ पाऊंगा ये। क्योंकि मैंने इससे हमारी याद धोखा थी। उस पे कवरिंग पे वो नहीं मतलब प्रेरणा आए गोरे कोई ना भाई लो। जगह कम लेती है मस्त तो की है। साज भी चाहिए सही बिल्कुल। हां पता है कपड़ा ना मुझे मैं जो सदर पे साइज है ना बिल्कुल परफेक्ट है। सब केम खोल खाल के पका दिया ना। है बहुत मस्त है। छोटे बच्चे की तरह एक्साइटमेंट हो रही है हमारा।
चलो भाई मम्मी का रूम कंप्लीट हो गया, बस ये पर्दे रह गए हैं। पर्दे वाला भी आने वाला थोड़ी बहुत देर में। पर्दे मैं अपने हिसाब से लगवाऊंगी। हाँ अपने हाथों लगवा लिए कोई ना। और गाइस ये है रोमा पफ ब्रांड कंपनी का। पूछते रहते हैं आप गद्दे कहाँ से मंगवाते हो, कौन सा होता है? सबसे पहले तो ये ऑर्थोपेडिक है, ये देखो ये एक साइड सॉफ्ट एक साइड हार्ड होता है, और इसका टेक्सचर देखो फास्ट है, और इसमें ना एक वो है जैसे आप अंदर धकेलोगे ना ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। यू ये चीज मेमोरी फॉर्म होती है ये। हाँ मेमोरी फॉर्म है ये, करो थोड़ा ये। हाँ ऑर्थोपेडिक ये लेयर है इसके अंदर है ना, देख इस साइड सॉफ्ट है, यो हार्ड है। हाँ देख ये वाली हार्ड है, यो सॉफ्ट है, देख अब दिख रही है मेमोरी फोम ऊपर से। हाँ ये जो आप देख रहे हो ये मेमोरी फोम है, करो इसको बंद। और ये 8 इंचेस का है गाइस, 8 इंचेस का। हाँ इसको आप वॉश कर सकते हो इस कवर को। कैसा लगा गद्दा मामा जी? एकदम प्रकार गद्दा मस्त गाइस, मस्त बिल्कुल। मम्मी के तो पूरे हो गए, मुलायम भी है। हाँ सुंदर भी है। हाँ और प्लस मम्मी को मिलते हैं गाइस 2 पिलो गिफ्ट में। ये मामा ने सोचते होंगे ये गद्दा और 2-4 घंटे पहले आता तो मैं सो के भी देख लेता है ना। इफ तो फिर रात रे नींद ना आवे, हमारी चाय भी ठंडी होगी भाई। तीनों कमरा में ग्रे बेड हो गए, इसी बेडशीट लेकर आनी पड़ेगी। हाँ मम्मी नहीं लिया होंगे। मम्मी क्या कह रहे ना, चलो नया बेड है, नया गद्दा, और रोहित भी पहली बार ही बेडशीट बिछा रहा है, कभी देखा है बेडशीट बिछाते हुए गाइस ने? और डट्टा कर काम करा करता से नहीं है। गद्दा आगे खींचना पड़ेगा। क्या कर रहा है रोहित? गद्दा आगे खींच। हाँ ऐसे राम की तो जब मैंने पहली बार चादर भी जाता दिखा है। रोहित अब से तू बेडशीट बिछाएगा? नहीं नहीं ऐसे नहीं है। नहीं क्यों ऐसे क्यों नहीं है? कब ना मदद तो कर दे, कुकू भी नू बोली मन्ने भी लो नए बेड पे कुकू। आहा पसरगी लो भाई, डाकू हसीना वाला लुक ले लिया है गाइस, समझ गए होंगे कहाँ जा रही हूँ। जो नहीं समझे उनको बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने स्टोर पे कनिका कलेक्शन पे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए गए, और भाई काम पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो बस यूं गई और यूं आई। तू वो ओढ़ गा रही है ना यो? हाँ मैं वही कहूँ गा रही है, तने पहचान ना पा रही है। हुक पकड़ चल ठीक है ओके भाई। कितनी गर्मी में जाएगी तू बाहर? क्या करें, वर्क इज इम्पोर्टेंट भाई। मैं स्कूटी निकाल लेती हूँ, लेकिन जब रोहित होता ना मेरा बहुत मन करता है इससे ही स्कूटी निकलवाने का, कपड़ा ढूंढना पड़ेगा। तू बड़ा मस्त लगता है स्कूटी पे, जा भाई रुक। इस पर नंबर तो लगवा ले करने का। रोहित दैट्स नॉट माय जॉब दैट योर्स, मुझे तो ये भी नहीं पता लगती कहाँ है। ना ना नंबर आगे ना पता, लेकिन मैंने डिग्री में ले रखी है, कोई रोक लेगा तो कह दूंगी भैया मेरे हस्बैंड ऐसे है क्या। चल ठीक है। हेलो गाइस। हेलो हेलो गाइस। हेलो
कितने फेकू हो तुम? कैसे बताऊं गाइस, से नौटंकी कर रहे हैं गाइस। मुझे 1.5 घंटा हो गया है पर कस्टमर बैठे थे, मैंने शूट नहीं करा इस मारी भाई, सबकी प्राइवेसी का रीजन था इस मारी ना, बिना पर्स के और तुम ने बेरा डाकू सी ना बनका रही थी मैं दूताऊं ना है अंकल आज राम राम। अच्छा तो भाई इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है आज, क्योंकि ये जो मैंने सूट डाल रखा है बड़ा प्यारा सा, जब शाहबाद से पहन के आई थी मैं इस सूट ने, तो पूछ पूछ के आपने परेशान कर दिया था कि ये सूट है या नहीं, तो यस ये सूट अवेलेबल करवा दिया है। ये तीन कलर में है, जो कलर मैंने पहन रखा है वो, और एक ये बड़ा प्यारा ब्लू कलर, और ये मेहंदी कलर। ठीक है खोल के दिखाओ। अरे यो तो इतना ने पूछी थी बोता तेल मगा दिया होगा होगा। ये तो दिखा दे बस, ये दुपट्टा देख लो, ये का दुपट्टा, ये नीलम हां की यो इसका दुपट्टा है ना, मेरा तुमने देख लिया। हम तीनो पैर ले ओढ़ लेते के, चलो कुछ खाने का मंगवा लो, भूख लग रही है। हमारा भूखी मरती आए अगर शाम के टाइम मुझे बहुत भूख लगती है। कड़ी कड़ी रोटी खाओ। नो नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? मैं कड़ी तेरी मम्मी बना के ला रही, रोटी मैं बना के ला रही, और के चाहिए बताओ। अच्छा आपकी बनाई ओड़ है? यस नहीं भी हां ई खाई तो मैं बताऊं तेरे क्योंकि मम्मी की वर्ल्ड क्लास फेमस कड़ी है, इसीलिए ओ देख पूरे गांव में चर्चे है मम्मी की कड़ी के। ओहो जब बताया टीकरी तो ही ला रही है पर मेरा के की है के उससे ही ले जा नरेंद्र ते। अच्छा देखा है ना मम्मी की कड़ी अच्छी, ई बाप भी मंगवाओ और खुद नु को कड़ी भी थोड़ी बहुत ना है, पूरी भर भर के कड़ी है। आहा कैसे खाने लग रहे हैं। हाँ इतनी मिर्च पागी तो नहीं रोटी खा लियो ऊपर तक कोई तो नुगे गिरा पानी पी लिया या मीठा खा लिया नुगे रोटी खा लिया ऊपर तक नहीं खाई जा नीलम। आहा हा 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 खा पी लिया। अरे ये मना चाय फिर ये तब शुरू के तेरे यार बस अच्छा पहला बेरा ना क्या बात पर के बहस चल रही है इनकी। अरे गंदा सा कप दे रखा था यार। मैडम जी यहाँ बैठती है फोन से मालती है, हमारी रसोई में ध्यान नहीं देती। आज यो कप देख कर बोली और इतना बढ़िया कप मेरे को मुंडे में प्याव थे। लो भाई डाकू हसीना बनने का दोबारा वक्त आ गया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ घर पे और ये सामान उठा लूं तो सीधा घर मिलते हैं। भैया आ गई हूँ घर पे और गर्मी लग रही है बहुत। तो पिछली वीडियो के कमेंट देख रही थी और बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो एक चीज़ मैंने लास्ट व्लॉग में डिस्क्लोज नहीं की, वो एकदम से तो हम उसी के घर ऐसे ही नहीं पहुँचे थे, कुछ रीज़न हुआ होगा तभी हम गए थे। और उस सिचुएशन में वहाँ मिठाई लेके जाना अप्रोप्रिएट नहीं था। अगर आप मतलब किसी के की हेल्प करने जा रहे हो या आप यूँ मान लो उसके माड़े टाइम में उसकी गल्ला हो, तो आप मिठाई दिखा के है ना उनके जले पे नमक ना छिड़क सकते, ठीक है? ये तो एक कॉमन सेंस है। और दूसरा ये कि फ्रूट्स ले केले और सेब गर्मियाँ में, केले सेब को आम और सेब ये दो फ्रूट्स गर्मियाँ में चल रहे हैं, ठीक है? मैं इन बातों का ना जवाब ना देना चाहूँगी पर फिर भी इतने लोग जजमेंटल हो रहे हैं। अरे 25 मिनट के व्लॉग में हम आप एक एक चीज़ें नहीं बता सकते कि हमारी फैमिली किस चीज़ से निकलने लग रही है, हम वहाँ क्यों गए, किसके क्या हो रहा है, हम सारी चीज़ें नहीं बता सकते, कुछ प्राइवेसी भी हो है, ठीक है? और मामा के मिठाई लेके जाने का ये पॉइंट नहीं है कि हम मौसी के जानबूझ के ना लेके गई या हमने फ़र्क दिखाया है, वहाँ उस टाइम मिठाई हमारी अप्रोप्रिएट नहीं थी, बस इशारा मैं बता सकूँ आप तक। इससे ज़्यादा मैं सफाई पेश करना ठीक भी नहीं समझती। कमेंट इतने आ रहे थे इस मारी मैंने थोड़ा सा बता दिया, अदरवाइज मैं इग्नोर भी मार सकूँ थी, क्योंकि मैं कैसी हूँ मेरी फैमिली कैसी है वो शायद एक व्लॉग देख के जज नहीं कर सकता कोई, बाकी सब समझदार है। हो गया है काम, बस रोहित के आते ही खाना खाना रह जाएगा और अब मैं कर रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद तैयारी शुरू। और जो कल वाला सॉन्ग होने वाला है उसमें मेरा वेस्टर्न लुक भी देखोगे और ट्रेडिशनल भी, मतलब दोनों का मिक्स होगा वो, और उसी के लिए मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी है। और कितनी और कैंड लाग रही हूँ मैं
और असल में इस मारी कहूँ मैं सोच सोच के चीज बोलूँ। हाँ आप मेरे तो पूछो भाई कौन सा गद्दा लिया कहाँ से लिया, तो उससे पहले मैं ही आपको बता देती हूँ क्योंकि फिर कल मैं बिजी हो जाऊँगी नहीं जवाब दे पाऊँगी। जो वेबसाइट है वो मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में भी, नंबर ये रहा, तो जाके आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है अगर आप हरियाणा से हो तो 2 दिन के अंदर डिलीवरी है, आपका मैट्रेस 2 दिन में आप तक पहुँच जाएगा अगर आप हरियाणा से हो। और दूसरा ये है कि आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि फिक्स कुछ उनके नंबर्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मैट्रेस लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो साइज़ आपके बेड का है वो उसका मतलब मैट्रेस का आप साइज़ उनको बताओ, वो आपको बना के देंगे। ये तो हो गई वो बात। और अब कुछ चीज़ें हैं जैसे ये ट्राउज़र है जो उन्होंने लुक मेरे को दी हैं, उनके अकॉर्डिंग मेरे को कुछ कपड़े रखने हैं, कुछ वहीं से मिलेंगे मेरे को जो मुझे पहनने हैं, तो बस अब वो तैयारी करती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस मैं रोज़ खाना बनाती हूँ और ये बंदा बाहर खा के आता है। नहीं हाँ यस झूठी नहीं बस टॉपिक चेंज कर देगा ये भी की गला खेल लेगा काम खत्म। बस हो गया तक गया मैं। तो रोहित पिछले व्लॉग में हमने अपने गाइस से एक क्वेश्चन पूछा था कि यूं बताओ सारे भाई बहना में मम्मी और मैं सबसे बड़ा सबसे बड़े राजी मामा है, फिर आती है राजंती मौसी। कौन सी मौसी नू तो बता दे फिर कंफ्यूजन हो गया। गए थे राजंती, फिर आती है ये वाली मौसी जो मोटी सी है दावंती मौसी, और सबसे छोटी है मम्मी शीला। एक भाई भूल गया, कैसा है रे तू भाई? अरे तूने कल वाली बात करी है ना, तो फिर भी बता दे। पांच भाई बहन है, पांचवे मामा है शायद। ये रोहित चिकारा, इससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। चलो छोड़ो, मैं इतनी थक गई हूँ, मैं कल ही करूँगी जो करूँगी अभी। मैं सो रही हूँ, गुड नाइट, बाय बाय।